नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला, हाजिर हूं 25 खबर 25 रिपोर्टर के साथ। इस सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात भी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं पंजाब से, बात पंजाब की सियासत की और कानून व्यवस्था की। जी हां, अब अकाली दल की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने भी सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सूबा सरकार अपनी ही सहयोगी पार्टी की इस चिंता पर सहमत दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब में कानून व्यवस्था के संबंध में अपने सहयोगी दल बीजेपी की चिंता को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दरकिनार कर दिया है। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार की सहयोगी बीजेपी ने चिंता जाहिर की है, लेकिन उनकी चिंता से सूबे के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल इत्तेफाक नहीं रखते। बादल का कहना है कि उन्हें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सूबे में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है और छिटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। कोई चिंता नहीं, सुधिया लॉ एंड ऑर्डर है, देखो किसी थान से कोई ना कोई इंसीडेंट तो हो ही जाना होता है। कोई दुनिया च कोई ऐसा मुल्क नहीं जिथे कोई इंसीडेंट ना, पर तुहाडे सारे नालों अमन शांति भाईचारक सांझ सब तो वध पंजाब च। पर तुहाडी अलायंस पार्टी है सर, उहनां दी मर्जी जी, मैं की कह सकदा। वहीं पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष का कहना है कि वो सीएम और डिप्टी सीएम से जल्द मुलाकात करेंगे और उस दौरान इस मुद्दे को उठाया जाएगा। सांपला का मानना है कि अगर समय रहते उचित कदम ना उठाए गए तो आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੇਂ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, जबकि सहयोगी दल बैठक में मुद्दा उठाने की बात कह रहा है। ऐसे में मुलाकात के दौरान क्या बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब बीजेपी की चिंता को मुख्यमंत्री उनकी मर्जी करार दे रहे हैं, जबकि विजय सांपला इस मुद्दे को मुलाकात के दौरान उठाने की बात कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। तो पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर अब पंजाब बीजेपी भी सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है तो बीजेपी को भी लग रहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था खराब है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस ने फिर से प्रदेश सरकार को चुनौती दी है। सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन अब सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रही बीजेपी ने चिंता जाहिर की तो विपक्ष को एक और मौका मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि अगर सरकार को सच में कानून व्यवस्था की चिंता है तो सूबे में सक्रिय गैंगस्टर और उनसे संबंधित बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। आज वो भी जब पानी नाक से ऊपर चला गया तो आज सांपला साहब को याद आई है, परंतु ना सांपला साहब की माने ना वो सुनील जाखड़ की माने, मेरा निवेदन बादल साहब से है कि वो खुद उनके डायरेक्टर जनरल पुलिस जब कह रहे हैं कि 57 गैंग पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं आदेश देते मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर सुखबीर जी कि उन 57 के 57 को गिरफ्तार करके 30 तारीख को रिपोर्ट करें। उधर सूबे के कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने कहा है कि बीजेपी का नया प्रधान बना है, उनके सामने अगर कोई मुद्दा आता है तो उस संबंध में सरकार को कह सकते हैं और अकाली दल को भी कानून व्यवस्था की उतनी ही चिंता है। नवा प्रधान बनिया सी, पहली कोर कमेटी की मीटिंग प्रधान ने करनी होंदी है जो नवा बनता है, तो उहदे च फिर इशू भी उठ के आ जाते हैं। जो उठ के इशू आते हैं तो फिर प्रधान की ड्यूटी होंदी है कि सारी गल वर्करां दे ध्यान च लिया के सोल्यूशन की है वो गवर्नमेंट को लिया। मैं समझदा कि बराबर दे भाईवाल है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई गल्लां जे लै आउंदे आ तो कोई माड़ी गल नहीं, कोई सानू इहो जिही वेलकम कोई इह नहीं है कि सानू कोई जे कोई साडे भाईवाल है जे उहनां दी कोई चिंता तो साडी भी चिंता ठीक करांगे जिहड़ी कोई। उधर कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने कहा है कि यदि विरोधी दल ने कोई चिंता जाहिर की है तो उसे जरूर दूर किया जाएगा। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। तो कानून व्यवस्था को लेकर सियासत प्रदेश में होती हुई नजर आ रही है। सियासत
अरविंद केजरीवाल की पंजाब फेरी को लेकर भी हो रही है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की संत ढड्डियां वाले के साथ हुई मुलाकात पर जमकर सियासत हो रही है। दोनों प्रमुख पार्टियों ने इस मुलाकात के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला है। संत बाबा रणजीत सिंह ढड्डियांवाल से मुलाकात करने वाले केजरीवाल पर कांग्रेस और बीजेपी ने दोहरा हमला बोला है। संत ढड्डियांवाले से दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात को लेकर सियासी हमले तेज हो गए हैं। केजरीवाल मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब हुए बिना लौट आए थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने उनकी मुलाकात को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष ने केजरीवाल पर पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ भी केजरीवाल पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल दिल्ली को संभालने की बजाय पंजाब की कुर्सी की चिंता में डूबे हुए हैं। असीं ये कह सकते कि संभालने लिए नहीं गए, वो हालात खराब कर रहे हैं, उन्हें शायद देने लिए तो जा सकते हैं किसी भी चीज नूं, ये उकसाउण लई या होर इस तरह दी, पर पंजाब दे लोग बड़े सियाणे मेरे ख्याल ऐसी उन्होंने किसी की भी गलत और समझ चुके हैं। कैप्टन साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि दिल्ली में अर्थ अपनी चिंता ना जाहिर करके, जिस तरह की विदेशी छात्र जो आए हुए हैं यहाँ पे उनके ऊपर कातिलाना हमले हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, उनके ऊपर चिंता व्यक्त ना करके पंजाब का रुख करना क्लियर कट ये दर्शाता है कि इनके जो मनसूबे हैं पंजाब में अमन शांति के लिए नहीं है, इनकी निगाह सिर्फ कुर्सी की तरफ है। वही बीजेपी और कांग्रेस के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। अकालियों को अपने क्राइम पार्टनर जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके जो माननीय मोदी जी हैं, जिनके अधीन दिल्ली की कानून व्यवस्था है, उनके खिलाफ उनको धरने करने चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, उनसे अपना नाता तोड़ना चाहिए। जाहिर तौर पर पंजाब की सियासत में दखल के लिहाज से अपना कद बढ़ाने में जुटी आम आदमी पार्टी का विरोधियों के निशाने पर आना लाजमी है। संत ढड्डियांवाल से मुलाकात करने वाले केजरीवाल पर विपक्ष सियासत का आरोप लगा रहा है, तो आम आदमी पार्टी इसे उनकी बौखलाहट करार दे रही है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ संदीप रॉय, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। जी हां, देश भर में ब्रेड खाने से कैंसर होने का मुद्दा गर्माया हुआ है। इस मुद्दे को गंभीरता से देखते हुए पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश से ब्रेड के सैंपल और बोतल बंद पानी के सैंपल लेने के आदेश दिए। सीएससी की स्टडी के बाद अधिकांश रूप में ब्रेड के सैंपल फेल पाए जाने के बाद पंजाब सरकार ने भी ब्रेड के सैंपल लेने के आदेश जारी कर दिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया स्टडी में रोजाना ब्रेड खाने से कैंसर होने की आशंका के बाद पंजाब सरकार भी सतर्क हो गई है। सूबे की जनता की सेहत को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य भर में ब्रेड सैंपल लेने के आदेश जारी किए हैं, जिसकी समय सीमा एक हफ्ता रखी गई है। सैंपलिंग जड़ी है वो कीती जाएगी और एक जड़ा सी होना मेडिकल लाइन दे विच भी असीं देख रहे हैं कि खून टेस्ट कराए जाण, जिहड़ी कैंसर की बीमारी है वो खून दे विच कीड़ी मात्रा नाल हुंदी है, ते ताकि पहले ही पता लग जाए किसी नूं भी आ जिहड़ी चीज़ है इहदे विच वो भी करा रहे हैं। पंजाब के सेहत मंत्री बोतल बंद पानी को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने लगे हाथ बोतल बंद पानी के सैंपल भरने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। नेची सेहत वास्ते और जिहड़ा पानी जिहड़ा बोतलां से आ रहा है ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਰਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਧੁੱਪੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੁੱਪੇ ਪਈ ਬੋਤਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸੈਂਪਲ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਕੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਏ। ਜਗਤਾਰ ਬੁੱਲਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। आगे बढ़ते हैं और बात केंद्र सरकार की। केंद्र के 2 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने यूपी के सहारनपुर में रैली करके सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और दावा किया कि आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के 2 साल पूरा हो जाने पर यूपी के सहारनपुर में रैली की। इस रैली को विकास पर्व महारैली का नाम दिया गया। यूपी के सहारनपुर में केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हुई विकास पर्व महारैली में दिग्गज बीजेपी नेताओं का जमावड़ा दिखा। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि वो एक प्रधान सेवक की तरह लोगों की सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे। पीएम ने कहा कि सरकार जनता के सपने पूरे करने के लिए है। एक के बाद एक उन योजनाओं को हाथ लगाया है जिसके कारण देश के गरीब के जीवन में बदलाव आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है। हम गांव गरीब किसान के लिए उन नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे किसान की आय 2022 आते आते दो गुना हो जाए, डबल हो जाए, ये काम हमने तय किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। राजनाथ ने कहा कि जनता हमारी जेब में नहीं बल्कि जनता हमारी मालिक है। उन्होंने मोदी सरकार को गरीबों और किसानों की सरकार बताया। दो वर्षों के कार्यकाल की ही हमारी यह विशेषता रही है कि आज विश्व स्वीकार कर रहा है इस सच्चाई को कि विश्व में सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो वह भारत देश की है। बीजेपी 31 मई तक यूपी में विकास पर्व मना रही है। केंद्र सरकार के एक साल पूरा हो जाने के बाद पीएम मोदी ने मथुरा में किसान रैली की थी। दूसरे साल पूरा हो जाने पर बीजेपी ने यूपी के सहारनपुर को पीएम मोदी की रैली के लिए चुना। पीएम मोदी का यह दौरा अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक तैयारी के तौर पर माना जा रहा है। तो मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर सरकार अपनी उपलब्धियां जनता को बताने में जुटी है। इसके तहत केंद्र सरकार के मंत्री आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं जबकि कांग्रेस मोदी के कार्यकाल को फ्लॉप करार दे रही है। केंद्र में आज मोदी सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सरकार के मंत्री जनता के बीच जाकर मोदी सरकार के कामकाज को गिना रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसको फ्लॉप बताने में जुटी है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियां गिनाने के लिए एक सॉन्ग जारी किया गया। पीएम मोदी ने मेरा देश बदल रहा है सॉन्ग के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। वहीं सरकार के मंत्री जनता के बीच जाकर सरकार की कामयाबी को गिना रहे हैं। आज प्रमाण मिल रहा है देश भर में कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सरकार के मंत्री इन दो सालों को तो महज शुरुआत मानते हैं। What actually matters to us who are part of the Modi government is the feedback that we get from the man in the street. वहीं कई मंत्री आने वाले वक्त में बेहतर सुविधाओं का वादा कर रहे हैं। 2020 तक मैं दावे से कह सकता हूं हमारी वेटिंग लिस्ट खत्म होनी चाहिए लेकिन कम से कम बहुत ही कम होगी। हालांकि कांग्रेस ने इस मौके पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि दो साल तक पीएम ने सिर्फ विदेश यात्रा की। पिछले दो वर्ष में सैर सपाटे के अलावा प्रधानमंत्री ने विदेश नीति के नाम पर कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोल के जरिए जनता से पूछा है कि नरेंद्र मोदी के किस यूटर्न ने आपको सबसे ज्यादा निराश किया है। दो साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने कई कार्यक्रमों का ऐलान किया है। तो सरकार दो साल की उपलब्धियां गिनवा रही है जबकि कांग्रेस सरकार की नाकामी गिनाने में जोर लगा रही है और पूछ रही है कि देश में कब आएगा काला धन। मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता कामयाबियां गिना रहे हैं तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दल सरकार के दो साल को नाकाम बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको जवा और। ये मोदी सरकार के दो साल को फ्लॉप बताने के लिए कांग्रेस का अंदाज है। कांग्रेस ने दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। सरकार के दो साल के कामकाज पर देश भर में फिल्म दिखाकर सरकार पर हमले की तैयारी भी कर ली गई है। सत्ता के अहंकार को छोड़ और मदमस्त हाथी की चाल से उबर देश के गरीब किसान बेरोजगार युवा रोटी और रोजगार की वेदना से पीड़ित साधारण व्यक्ति की बात को सुनने की आवश्यकता है। कांग्रेस के इस वार पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। हम तो डूबे सनम पर तुम्हें नहीं डूबेंगे, ये उनकी फिलॉसफी है। वो कुछ कर नहीं सके तो तुमने भी कुछ किया नहीं। हालांकि जेडीयू ने भी कहा कि सरकार अपने वादों पर नहीं उतर पाई है। दो साल पहले उम्मीद थी, आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, अब निराशा है, कुंठा है,
असफलताएं। वही एनसीपी का कहना है कि सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं। जो वादे किए गए थे 2014 में कि हम काला धन 100 दिन में ले आएंगे, हम कीमतों पर लगाम लगाएंगे, हम रोजगार मुहैया करेंगे, हम भारत के तमाम गरीबों के लिए तमाम व्यवस्थाएं करेंगे, इसमें कुछ नहीं हो पाया। सरकार की सालगिरह पर किए जा रहे तमाम खर्चों पर भी विपक्ष निशाना साध रहा है। तो मोदी सरकार दो साल के काम को अपना कमाल मान रही है, वहीं विपक्ष इसे बदहाल या बेहाल बता रहा है। शिमला पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि मोदी सरकार के दो साल के कार्यकाल में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री और नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस के सांसद और नेता भी आम जनता के बीच पहुंचकर सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा शिमला पहुंचे। यहां उन्होंने मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उनका दावा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। सरकार की नीतियों की बात है, हम ये मानते हैं सरकार की आर्थिक नीतियां पूर्णतः देश को विपरीत दिशा में लेके जा रही हैं। 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार का वायदा किया गया था, मगर कुल मिला के 1,55,000 रोजगार उत्पन्न इस पिछले वर्ष में हमारी अर्थव्यवस्था में हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने हिमाचल कांग्रेस और हिमाचल सरकार की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के राज में हिमाचल ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हमारा मानना है जिस प्रकार का कुशल शासन कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में दिया है, पूरे देश के लिए एक आदर्श विकास का मॉडल है। हुड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार का तालमेल पूरे देश के लिए उदाहरण है। शिमला से विशाल द्विवेदी के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।